अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बीफ पुलाव की। बहुत ही सिंपल है और बड़े आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। सो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए उसमें सबसे पहले मैंने बीफ लिया है, दैट इज 500 ग्राम्स यानी आधा किलो। और ये बड़ी बड़े पीसेज हैं, जितने हम नॉर्मल लेते हैं थोड़े से बड़े, और उसके साथ बोन लगा हुआ है। साथ ही मेरे पास जो है वो एक छोटे साइज की प्याज नहीं थी, तो मैंने एक बड़े साइज की प्याज को बीच में से काट लिया और उसका आधा पार्ट यूज कर रही हूँ। इसके स्लाइसेस वगैरह कुछ नहीं करने, सिर्फ इसकी स्किन उतारनी है। सेम मैंने क्लोव के साथ भी किया, जो क्लोव का बंच होता है, गार्लिक क्लोव्स का, उसका आधा आपने बंच यूज करना है। साथ मेरे पास जावित्री का एक टुकड़ा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून मेरे पास गोल धनिया है। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के लिए मेरे पास जितने गोश्त था उतना ही मैंने राइस लिए हैं। आप चाहें तो राइस की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो गोश्त में वो 500 ग्राम्स है, तो मैंने राइस भी 500 ग्राम्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो 750 ग्राम्स भी ले सकते हैं, यानी 3 पाव। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चमचा भर के। आधी प्याज है बड़े साइज की, इसको मैंने स्लाइसेस कर लिया, या फिर आप एक छोटी प्याज को लेके स्लाइसेस कर ले। साथ मेरे पास गरम मसाला है, इसमें मेरे पास तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक्स, थोड़ी सी लौंगे और काली मिर्चें हैं, और मेरे पास नमक है। सो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो है मैंने इसकी बनानी है पोटली। तो पोटली के लिए मैंने एक सिंपल कपड़ा ले लिया, कोई सा भी आप कपड़ा ले लें, यूजली कॉटन का यूज होता है, सिंथेटिक नहीं होता, क्योंकि वो हीट के साथ साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया, सौंफ डाल दी और जावित्री का टुकड़ा डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर गरम मसाला इस स्टेज में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जब राइस डालूंगी, जब डालती हूँ, ताकि ये थोड़ा राइस के साथ दिखे, अदरवाइज बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं हमारे राइस। सो आई एम गोना गिव इट आर वेरी नाइस टाई। अच्छे से इसको टाई कर लेना है कि इसके कोई भी इंग्रेडिएंट्स बाहर ना निकले। सो सिंपल मैंने एक बड़ा पॉट ले लिया है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टॉक पॉट ले लिया है। साथ ही मैं उसके अंदर जो हमने जो पोटली बनाई थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जो प्याज थी वो इसके साइड पे चली जाएगी, और साथ ही जो हमने गार्लिक लिया था वो इसके साथ चला जाएगा। बेसिकली इसकी यखनी में बना रही हूँ। अब जाएगा जनाब इसके अंदर पानी, और पानी में आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि जितना अच्छा स्टॉक बनेगा उतना अच्छा पुलाव में फ्लेवर देगा, और हमें ऊपर से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसको शुरू में तेज आंच में पकाऊंगी, इतना कि बबल्स आ जाए। उसके बाद इसको हल्की आंच पे छोड़ दूंगी कि मीट अच्छे से टेंडर हो जाए। दैट्स इट। तकरीबन जो है मैंने इसको आधे घंटे तक पकाया हल्की आंच पे, शुरू में तेज रखा, फिर हल्की आंच किया ताकि गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए। अब गोश्त हो गया टेंडर, अब हम कंटिन्यू करते हैं इसका स्टेप 2। सो सिंपल मैंने एक देगची ले ली है, चाहे तो आप वही वाली देगची यूज कर सकते हैं, उसकी यखनी अलहदा कर ले। सो मैंने एक बड़ी साइज की देगची ली है, साथ ही मैंने उसके अंदर ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1/2 कप, और एक दरमियानी साइज की प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, वो उसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाले जो हमने शुरू में लिए थे। अब मैं प्याज को इतनी देर सौते करूंगी बिल्कुल हल्की सी ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, ये प्याज जो है वो कलर चेंज करने लग जाएगी। साथ ही मैं उसके अंदर डालूंगी गोश्त जो हमने यखनी बनाई थी, उसमें से मैंने गोश्त निकाल दिया, यखनी ऐसी छोड़ दी है, सारा इसके अंदर गोश्त चला जाएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसको इतनी देर भूनूंगी कि अच्छी सी खुशबू आने लगे अदरक लहसुन में से भी और गोश्त से भी। तो मैंने अदरक लहसुन के साथ जो है वो गोश्त को अच्छे से भून लिया, इसकी अच्छी सी बीनी बीनी सी खुशबू आना शुरू हो गई, और अदरक लहसुन की जो अपनी स्मेल है वो चली जाती है। सो मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए हैं, आधा घंटा मैंने राइस को जो है वो सोक किया। अगर आप चाहें तो राइस को लंबे टाइम तक भी सोक कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटा बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, राइस तो बेहतर है आधा घंटा ही किया कीजिए। सो मैंने सारे राइस उसके अंदर डाल दिए। अब मैं डाली हूँ जो हमने प्राप्त की थी यखनी। यखनी को आप चाहे तो छान के डाल लें, मैं एज इट इज ही डाल रही हूँ। सिर्फ मैंने पोट लिया, इसके अंदर लहसुन नहीं डालना, बाकी अगर प्याज आ जाए फाइन, प्याज पकते में जो है बिल्कुल ही डिजोल्व हो जाती है। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक का सबसे आसान तरीका ये है कि जितने आपने कप राइस लिए हैं उतने ही टीस्पून आपने नमक डालना है। एक बड़ा स्टैंडर्ड सा रेशियो है और बहुत ही परफेक्ट बैलेंस ही नमक देता है। अगर आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं, अप टू यू, बट मैं इस तरीके से करती हूँ। 3 कप्स ऑफ राइस मतलब 3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट।
अब जो लेफ्ट ओवर यखनी है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और एक पूरे वाला हिसाब करूंगी। एक पूरे वाला हिसाब हमेशा परफेक्ट रहता है, अपने अपनी उंगली का जो फर्स्ट पार्ट है बस वो डाल के देखना है, अगर वो उसको कवर कर रहा है इतना पानी ठीक है। अगर आपके पास यखनी कम हो तो आप उसमें पानी जो है वो ऐड कर लीजिए। अब मैं इसको ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी इतनी देर के, बस ये पानी जो है वो ड्राई हो जाए तेज आंच पे ही, और खुद ही ऑटोमेटिकली राइस जो है वो पकना शुरू हो जाएगा और पक जाएगा। तो मैंने इसको खुली आंच पे इतनी देर पकाया कि इसका पानी ऐसे खुश्क होने लगे, आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो गया, थोड़ा थोड़ा रहता है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा केवड़ा ऐसे डाला है, डाल रही हूँ एक दो ड्रॉप, दैट्स इट। अगर केवड़ा वाटर हो तो हाफ टी स्पून डाल दीजिए केवड़ा वाटर, केवड़ा ऐसे निकल के। साथ इसके अंदर मैं कलर डाल रही हूँ थोड़ा सा, जस्ट अ पिंच, और साथ ही मैंने इसको दम पे लगा दिया है और ढक दिया, दैट्स इट। जब तक ये दम होगा तकरीबन ये इट विल टेक लाइक 10 मिनट्स, हल्की आंच पे जितना अच्छा दम होता है उतने अच्छे आपके चावल खिले खिले और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो मैं इसको दम करूंगी और साथ ही बनाऊंगी इसकी भगार, के जो हमारे इस तरह के ट्रेडिशनल खाने उनमें भगार जरूर घी के साथ प्यास की लगती है। तो मैंने जो है वो पैन के अंदर थोड़ा सा घी डाला है, जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, बिल्कुल मैंने फाइनली यूज़ की। बाजार की कोशिश करें ना यूज़ किया करें इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता। खुद इसको जो है वो थोड़ा सा अपने करना है डार्क ब्राउन सा, और यही इसका गार्निश है, ठीक है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ यही इसका गार्निश है। तो मैं थोड़ा सा उसमें डालूंगी और बाकी आपको बताऊंगी कि हमने इसको गार्निश में किस तरह डाला। तो मज़ेदार सा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई विश आप लोग जो है वो मैं आप लोगों को बता सकती कि आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होना शुरू हुआ मैंने बस इसको सर्व कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका पुलाव है वो ड्राई बनेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम इग्नोर करते हैं और फिर वो वाली चीज़ नहीं आती जो हम दूसरे के घर खा रहे होते हैं, क्योंकि जो तरीक़ाकार सबका डिफरेंट है, राइट। तो जैसे ही तरीका चेंज होता है आपका टेस्ट उस चीज़ का डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मेरी नानी बनाया करती थी और सब लोग उनसे फरमाइश करके जो है वो खाया करते थे। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार सी रेसिपी है, ये लीजिए। अब जो मैंने पाकी भगार था आपने देखा कि मैंने सब डाल दी उसके अंदर, ऑयल भी डाल दिया, थोड़ी सी गार्निश के लिए मैंने प्याज छोड़ दी थी, अच्छा ये। और मैं इसको किसी भी गार्निश नहीं करती, सिर्फ प्याज से ही ये गार्निश होगी, कुछ भी ग्रीन से नहीं गार्निश होगा, या तो आप उसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं, क्योंकि ये इट्स नॉट एन लाइक ए नॉर्मल आम सी कोई डिश नहीं है, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल ऑथेंटिक डिश, तो इसको अपने रॉयल ही रहने देना है। दूसरी बात ये कि आपने इसके साथ जो है वो आप जो साइड डिशेस के तौर पे आप इसके साथ कबाब, शामी कबाब सर्व कर सकते हैं, और इसके साथ आप कोरमा सर्व कर सकते हैं। कोरमा इसके साथ बहुत अच्छा जाता है और बहुत ही अच्छा इसका एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। सो ये हमारी आज की रेसिपी थी, ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है। होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।